अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आज के शाम की हांडी रोटी की रूटीन अपनी। तो गाइस मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो हंडिया को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें मैं घी शामिल करूँगी। तो गाइस इसमें मैंने घी डाल दिया, मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो प्याज को हम जो है ना वो अच्छे से भून कर लेते हैं पहले। तो माशाल्लाह गाइस देखिए हमारा जो प्याज है ना वो ब्राउन हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च मैंने कुटी हुई है ये शामिल कर दूंगी। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। माशाल्लाह गाइस ये ग्रीन करी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इससे सब्ज़ियाँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनका जब ये बनती हैं और फिर हम खाते हैं ना, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर खाया करें, हम तो बड़े शौक से खाते हैं ये मिक्स सब्ज़ियाँ बना के। इनके चार पाँच मिक्स सब्ज़ियाँ चले जाती हैं, गाजर, फिर मटर, आलू, मेथी, मोंगरे। तो जब ये तैयार होती है ना तो बहुत मज़ेदार बनती है सब्ज़ी माशाल्लाह। तो गाइस देखें ये हमारा जो मसाला है लहसुन अदरक और प्याज ये फ्राई हो चुका हुआ है, मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। तो अच्छे से पका लेते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ ये जो तमाम मसाले हैं किचन के, सुरख मिर्च है, नमक है और गरम मसाला और हल्दी, ये मैं शामिल करूँगी। तो अच्छे से मसाला पहले इसका बना लेते हैं। गाइस माशाल्लाह देखें कि सब हमारा मसाला जो है वो बहुत मज़ेदार तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो है ना वो आलू शामिल करते हैं। आलू को मसाले में हम के लिए भून लेते हैं, सबसे पहले आलू भूलेंगे। तो माशाल्लाह गाइस देखें हमारे जो आलू हैं ये भून चुके हैं दो तीन मिनट के लिए। अब मैं इसमें ना ये मटर और मोंगरे हैं, तमाम सब्ज़ियाँ जो है ना मैंने अच्छे से वॉश करके रखी हुई हैं, अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। तो इनको भी हम जो है ना मैं आपको दिखाऊं, ये आपको नज़र आ रही होगी कितनी हल्की सी गैस है बिल्कुल जिस पे मैं ये हंडिया बना रही हूँ। तो ये हमारा पाइप लगा हुआ है एक ही, आप देख सकते हैं, दूसरा चूल्हा मेरा बंद है। ये देखें एक पे ये मैं चला के तो इतनी सी गैस पे हंडिया बना रही हूँ। अब देखें कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि थोड़ा बहुत गैस आता है तो हम हंडिया वगैरह जो है ना बना लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इधर कौन सा पंप लगा हुआ है और रखा मैंने चूल्हा जो है ना वो अपने कमरे में ही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। तो लोगों के ड्रामे चेक कर लें कि अगले के घर में आके अगले को धमकियां देते हैं और जहाँ
बूझ के मनवाते हैं कि आप लोग मानो आपने पंप लगाया हुआ था। हमारा दिमाग ख़राब है कि हम पंप लगा के तो इस तरह के काम करें, और इस गैस को 7 घर चला रहे हैं। 7 घर, एक गैस 1 मीटर है और 7 घर जो है ना 1 मीटर पे ये चलाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, गैस चलाते हैं 7 घर 1 मीटर को। तो अगर यही 2-3 चलाएं तो इससे भी ज़्यादा अच्छी गैस आ सकती है। लोगों के दिमाग आप चेक कर रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहती हूँ मैं उस इंसान का सर फाड़ दूँ कि अगले के घर में आके उसको धमकियाँ दे रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें लोगों की, अब शराफत का ना कोई दौर है और ना ही कोई ज़माना है। यकीन करें लोग जो है ना गुंडागर्दी, अगले के घर जाके ना इनको कोई पूछने वाला है ना इनको कोई कहने वाला है। अगले के घर में आ जाओ और उसको पुलिस की धमकियां दो, आपने पंप चलाया मैं पुलिस को बुला दूंगा, इतना तुम आए मुल्क के वज़ीर आज़म। मेरा तो यकीन करें अभी तक खून खोलता, मेरा दिल करता मुझे मिले मैं ईंट मार के इसका सर फाड़ दूँ इस इंसान का, चवल कमीना। तो अब गाइस मैं इसमें ये गाजरें हैं तो गाजरें शामिल करूंगी। देखिए माशाल्लाह कलरफुल कितनी मज़ेदार सब्जियां और खूबसूरत लग रही हैं सारी मिक्स हुई, तो इनको भी 2-3 मिनट के लिए जो है ना हम अच्छे से पका लेते हैं। तो माशाल्लाह गाइस देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मज़ेदार सब्जियां जो मैंने बनाई हैं कितनी मज़े की लग रही हैं, तो माशाल्लाह प्यारी भी बहुत लग रही हैं। अब मैं इसमें ये मेथी है मैंने थोड़ी सी काटी हुई, अब मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। तो इन सब सब्जियों को जो है ना वो अच्छे से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह इन तमाम सब्जियों को अपना नेचुरली कुदरती पानी होता है, तो अब हम इसको जो है ना अभी ऐसे ही पकाते हैं। तो बस ये देखे सब्जियां अपने नेचुरली पानी में पक रही है, देखिए मैंने भी इसमें थोड़ा सा भी पानी शामिल नहीं किया। अब हम इनको ना मज़ीद कोई 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे, इंशाल्लाह ये ना फिर पक जाएंगी। माशाल्लाह भाई देखें हमारी मिक्स सब्जियां जो हैं वो माशाल्लाह मज़ेदार पक गई हैं। ये देख रहे हैं आपके घी इसने छोड़ दिया है, जब कोई भी हंडिया जो है ना वो घी छोड़ दे आपको नज़र आ रहा है तो समझे कि वो जो सालन है वो तैयार हो गया। चीज़ें सारी सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह पक गई है, तो खुशबू भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आ रही है। तो अब मैं इसकी वो डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह गाइस देखें ये है हमारी आज की मिक्स सब्ज़ियों की रेसिपी, तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लग रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।